जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तुषार सिंह, योर फेवरेट चैनल फिजिक्स मेड इज ओडिशा। आम जो CHSE मिशन स्टार्ट करते MCQ सीरीज वो प्रीवियस ईयर जो CHSE क्वेश्चन आसी MCQ ताकू डिस्कशन करूली। आज मुझे UNIT-7 दैट इज डुआल लेक्चर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन लॉ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था डिस्कशन करी छुआ। बहुत ही छोटो चैप्टर, बहुत ही शॉर्ट वीडियो हम पाखापाखि 15 मिनट भितर 20 मिनट सरी जीवो वीडियो। आपन समस्त देखंतु ऑलरेडी 6टा पार्ट रे डिस्कशन करी आर प्रीवियस ईयर जो सब यूनिट रो क्वेश्चन डिस्कशन कर देछि। 10टा सेट रो MCQ 35 लेखा डिस्कशन कर देछि। तो आपनको बेनिफिट पाई मु करूछि, चैनल को जिबे प्लेलिस्ट जिबे सब वीडियो देखि परिबे। तो चलंतु बिना किसी डेरी करके आरंभ करवा। हेलो हाय छाड़ू, हरिबल बोलतु, सभी पढ़ु, सभी पढ़ते ए छुआ बसी जा, खाता पेन धर, जहाँ कर देख। ठीक अच्छे, तो फास्ट क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीन सामने थी कंप्यूटर महाशय हरेक माल पेस किए 10 टाँह देखो कौन क्वेश्चन अच्छे। ओ बढ़िया क्वेश्चन, देख बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है कही। गोटे चार्ज क्यू, गोटे चार्ज आम पार्टी क्यू, सी एन इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर, एन टा इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन रो ईच ऑफ मास देछि एम। ठीक अच्छे, आउ से गोटे डिस्चार्ज एक्सेलरेटेड अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो सपोज यही पॉइंट रो यही पॉइंट भितर पोटेंशियल डिफरेंस के देछि ना भी, कैपिटल भी देछि। जतरे चार्जटा छ मोशन करूछि, जतरे चार्जटा छ मोशन होछि तार गोटे काइनेटिक एनर्जी आसीबो। सो देखंतु आमो के ठेलुछि, सपोज पोटेंशियल के दोछि आमो ठेलुछि, तो आम उपर गोटे वर्क होछि, आम उपर गोटे वर्क होछि, से वर्कटा काइनेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट हो जाए। आप पढ़ी थे छुआ बेले बेले वार्डनटा पोटेंशियल एनर्जी को भी आस जाए, आउ वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस रे आसे कौन ना वार्डन काइनेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट हो पार। ठीक अच्छे ना नहीं। सो छुआ जिते बड़े पोटेंशियल डिफरेंस रे आम नवा चार्ज को, तो तार गोटे वार्डन आसो, तार गोटे वर्क हम, वार्डन के आसे छुआ वार्डन डब्ल्यू आप पढ़ी थे, दैट इज क्यू चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस भी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस छुआ, कन्फ्यूजन है। सपोज ये मोशन करुच्छ विथ भेलोसीटी यू, यू है भेलोसीटी, मुझे सिंबलाइज कर दूसरी यू को भेलोसीटी, जनरली भी धरा जाए भी बोली कन्फ्यूजन है, दिस इज यू भेलोसीटी। छुआ देखो जब चार्जटा गोटे मोशन करुच्छी तार गोटे काइनेटिक एनर्जी थी कहार ना चार्ज। सपोज हाफ मास के छुआ टोटाल मास, सपोज कैपिटल एम आम धरले, टोटाल मास अच्छे कैपिटल एम आउ तार भेलोसीटी यू, यू स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी अफ चार्ज मोशन करुच्छे तार काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर। तो आम दुटा को इक्वेट कर पारिया छुआ, वार्डन को कैनेट एनर्जी इक्वेट कर पार, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस रे है कि नहीं। सो के आस छुआ हाफ एम भि यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू भी। ठीक अच्छे, तो यू के आस छुआ ये, तो यू स्क्वायर आस टू क्यू भि बै कैपिटल एम, एंड यू आस छुआ यार रूट ओवर। तो यहीटा मारिकी आसिकी आप क्वेश्चन ऑप्शन देखी दे, टू क्यू एम रूट ओवर, ऑप्शन बी ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, एमती करी ऑप्शन भूल मारिक पड़ी आसवे। देखु ये मुझे कैपिटल एम धरती टोटल मास, ये कितना ऑप्शन ले स्मॉल एम माने ईच मास देती, ईच मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तापर ये गोटे कनसेप्ट छोटिया कनसेप्ट लगे जो ठीक करदे तेज ऑप्शन ठीक करके आस, अदरवाइज भूल हो। तो आप जानते टोटल चार्ज के आसे एन टाइम्स ई, एन है चार्ज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास टोटल मासटा केमी लिखिपर इच रस छुआ प्रत्येक जितना इलेक्ट्रॉन थे मास स्मॉल एम अच्छी केतरा इलेक्ट्रॉन, सपोज एन टा इलेक्ट्रॉन अच्छी समस्त मास है एम स्मॉल एम। सो दुटा जब पकेबे ऑप्शन ले भूल क्यू है टोटाल चार्ज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, टोटाल मास के हम छुआ गोटे चार्ज रे क्यू रे, तो एन टा टोटाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तर मास एम 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 अच्छा, तो टोटाल मास एन एम। तो डायरेक्टली आम जब पुट करवा टू क्यू बदल एन ई कैपिटल बी पोटेंशियल बाय एम बदल स्मॉल एन स्मॉल एम, तो एन एल कैंसल हो, तो आंसर आसो के टू ई भि बाय एम रो रूट ओवर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हम एक नंबर क्वेश्चन लो ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मारिक आसते भूल करके आस छुआ, दयाकर कौच छुआ यहाँ मन रखुद आउ ठीक ठाक क्वेश्चन करूँ, अदरवाइज एक मार्क पल जानी क्वेश्चन बुझेगा छुआ, क्लियर ओके। तापर जो छुआ दुई नंबर क्वेश्चन देख, जल्दी जल्दी सारद छुआ 15 मिनट भितर सारद, 8टा क्वेश्चन अच्छी। दुई नंबर क्वेश्चन कौन होती, गोटे फोटोन विथ एनर्जी छुआ, फोटोनटा कौन छुआ लाइटा छोट छोट पकेट को नहीं, जो लाइट आसुनि
छोट छोट पॉकेट को नहीं की तैयारी छुआ लाइट डुआल नेचर देखाए छुआ बेले बेले पार्टिकल नेचर जब बेले वेव नेचर मन रखता छुआ छुटिया कथा कहूँ लाइट जिते बेले जाए लाइट जाए टू सी वेव टाइप बिहेव करे जिते सी कटे गोटे स्क्रीन ने कूटे से पार्टिकल नेचर भाई बिहेव करे तो दुईटा नेचर डुआल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस सो पचार दि फोटन विथ एनर्जी इज कैरेक्टराइज बाय वेवलेंथ तो वेवलेंथ के फोटन टाइम इन टर्म्स ऑफ ई रे आपन पढ़ीथिबे जदि फोटन गोटे जाऊँ तार गोटे फ्रिक्वेन्सी थी न्यू एफ भी लिखा जाए फ्रिक्वेन्सी को सो एनर्जी ऑफ ए फोटन के छुआ फोटन एनर्जी ई इक्वल टू फोटन क्वेश्चन छुआ बहुत थर पड़े ई इक्वल टू एच न्यू सो आम लिख पारे ई इक्वल टू न्यू न्यू लिख पारे छुआ फोटन छुआ लाइट स्पीड रे जाए सी बाय लैम्ब्डा सो न्यू हम सी बाय लैम्ब्डा सो लैम्ब्डा वेवलेंथ पचार इन टर्म्स ऑफ ई एच सी बाय ई हुएर छुआ एस्टाला प्लांक्स कांस्टेंट तार भैल्यू है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड बेले बेले क्वेश्चन पचारि प्लांक्स कांस्टेंट रो यूनिट कौन जूल सेकेंड प्लांक्स कांस्टेंट ठीक अच्छे प्लांक्स बाबू अच्छा चाचा ये सैड्रे अच्छे मो सैड्रे एम ठिया होती चाचा केत आप कांस्टेंट 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड सो एच सी बाय ई जोटा ऑप्शन थे एच सी बाय ऑप्शन डी दुई नंबर ऑप्शन डी दुई नंबर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हम दैट इज एच सी बाय ई मार्क करूँ छुआ तापर तीन नंबर जीवा ठीक अच्छे छुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ये छुआ अच्छी डुआल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइनस्टाइन देते नोबेल प्राइज पाई छुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आइनस्टाइन नोबेल प्राइज देते पाई देते कौन पाई सर देवे कौन पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज डैश द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी तो छुआ जनरली कौन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे गोटे से मेटाल सरफेस अच्छी छुआ तापरे लाइटा रेडिएट करा जाए इंसिडेंट करा जाए जदि से लाइट्र फ्रिक्वेन्सी गोटे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अच्छी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी छुआ मिनिमम फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस तो मेटल सरफेस गोटे वार्प फंक्शन थाए छुआ से वार्प फंक्शन अधिक एनर्जी लाइट आसिले कौन हुए इलेक्ट्रॉनटा मेटल सरफेस इजेक्ट हो पारे नही पारे डिपेंडिंग करे कौन हो डिपेंडिंग करे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जदि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट है तार जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मैक्स सही एनर्जी की से आइनस्टाइन इक्वेशन द्वारा आम बाहर कर पार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो दबो इलेक्ट्रॉन तार सो तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी गोटे मिनिमम फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी छुआ जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी लिखाई गोटे से मिनिमम फ्रिक्वेन्सी यही फ्रिक्वेन्सी अधिका फ्रिक्वेन्सी है चलो कितु यही फ्रिक्वेन्सी कम फ्रिक्वेन्सी जब आम लाइट दवा इंसिडेंट करवा तेब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेनी सो कौन कही दि फोटो सेंट्रिक मेटेरियाल इज डेज दि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज कौन हवा दरकार जो फोटो इलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन तीन नंबर सी ना ग्रेटर देन है ना थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अधिका फ्रिक्वेन्सी देर इलेक्ट्रॉन बाहर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम ताठू कम दे कहीं सी वार फंक्शन अधिका दे पारनी फोर सी आमर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करनी सो ग्रेटर हवा दरकार थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी जो अधिक हवा दरकार फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी कौन हवा दरकार मानने गोटे मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ताठूर अधिका दरकार फ्रिक्वेन्सी है कि नहीं तेज जाए कौन हम ना आम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम तीन नंबर मैंने आसला ग्रेटर देन ऑप्शन थी कौन तीन नंबर सी ग्रेटर देन ठीक है तीन नंबर है सी तप चार नंबर जी छुआ चार नंबर कही छुआ सिंपल क्वेश्चन डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो गोटे सिस्टम लाइट एनर्जी की कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देखते सोलार सेल जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलार सेल एग्जांपल दू सोलार सेल कौन हुए ना लाइट पड़े सोलर माने भगवान सूर्य आसिक कहते आसिली पढ़िली तापर आम घर को लाइट आम सोलार लगी छुआ तो जनरल से कहुए फोटो वोल्टेक सेल कह जाए ठीक अच्छे तो फोटो सेल भी सामने कहुए फोटन रू फोटो आ सेल मैंने छुआ बैटरी टाइप काम कर मैंने लाइट कथ आसो सरी एनर्जी कथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आसो तो लाइट्र कनसेप्ट आसला फोटन जेनराली छुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आम सेल रु व्यवहार कराए तो जब मिसाइद छुआ आसो फोटो सेल तो फोटो सेल मैंने कौन कौन फोटो वोल्टेक सेल भी कहुए तो जेनराली छुआ आम लिखिपर जाए ए जो ऑप्शन ए चार नंबर ए जो डिवाइस कन्वर्ट करे लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दिस इज फोटो सेल ऑप्शन जो ए अच्छे चार नंबर दिस इज क्या राइट आंसर फोटो सेल ठीक अच्छे ताप छुआ फोटन हेब ताप देखते पाँच नंबर क्वेश्चन टा 2019 पड़ा छुआ मैंने किसी भूल करके आसते बहुत इजी क्वेश्चन छुआ पाँच नंबर फोटन हेब डैश ओनली पार्टिकल नेचर ओनली वेव नेचर
बोथ पर नेचर आउ कौन आसो नन अफ दि अबव छुआ देखो मुझे कहली छुआ फोटन फोटन टा कौन छुआ ठीक अच्छे तो फोटन रेस्ट मास जीरो थाए गोटे क्वेश्चन आसला जितने फोटन छुआ मोशन कर लाइटा छुआ जाए तो ट्रावेल कै तो फोटन टा पार्टिकल नेचर देखाए जिते बड़े स्लिट दे कि जीव से कौन हे ना फ्रिज देखे हे तो बोथ वेव भी देखाए नेचर सो लाइट है बोथ नेचर पार्टिकल एंड वेव नेचर सो आम लिखा जो फोटन टा बोथ नेचर देखा है कि नहीं सो ऑप्शन सी जो अच्छी पाँच नंबर सी ऑप्शन बोथ नेचर देखे हे पार्टिकल भी देखे वेव भी देखे पार्टिकल गोटे गोटे बॉल टाइप मैंने कहला कि नहीं कॉर्पसेल्स पड़ी थे सही टाइप जिनस आउ वेव नेचर भी देखे बोथ नेचर देखे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा वेव नेचर प्रूव होता हाइगिन्स फास्ट देते पार्टिकल नेचर न्यूटन्स फास्ट देते आम जिनस आइंस्टाइन फोटोलिटिक इफेक्ट रे पार्टिकल नेचर को प्रूव करागला ठीक अच्छे आप देखिए पाँच नंबर सी ताप छः नंबर जी छः नंबर कौन दे क्वेश्चन देखो दे छुआ मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय तो जेना छुआ मास ऑफ फोटोन आम जाचे एनर्जी के आसे छुआ गोटे फोटोन एच न्यू फ्रिक्वेन्सी एच सी बाय नामडा तो एनर्जी आम लिख पार एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कह लो अकॉर्डिंग टू आम आइंस्टाइन इक्वेशन द्वारा फेमस इक्वेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर जेने छुआ रिलेटिविस्टिक इक्वेशन आउ गए थाए छुआ रिलेटिविस्टिक इक्वेशन था इक्वल टू एम नॉट सी थाए छुआ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर र रूट ओवर एट छुआ रिलेटिविस्टिक इक्वेशन दिस इज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेटा से टोटल एनर्जी जनरली आम ये एम सी स्क्वायर धरवा कहीं बही आम जो सिंपल ऑप्शन ले यही ऑप्शन द्वारा आम कहींपर ठीक आंसर बाहर कर ठीक अच्छे कि जनरली छुआ जो पार्टिकल जो लाइट स्पीड में जाए गोटे जिनस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आसे आपंकर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट एवं ना पढ़े यूजी गले आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ठीक अच्छे सो जनरली छुआ एम सी स्क्वायर एच न्यू बाय लैम्ब्डा आसे सो ऑब्वियसली आम ये एम मागिस तने केते लिख परिबा एस सी बाय एम लैम्ब्डा एस सी बाय एम लैम्ब्डा ठीक अच्छे सॉरी सी स्क्वायर तौर को पड़ी आसो सॉरी कौन करदेली एम दरकार छुआ एम आसो केते एच सी 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 गोटे कटिज छुआ एच बाय लैम्ब्डा सी एच बाय लैम्ब्डा सी तो देखो छुआ ये कौन सी प्रकार ऑप्शन देना तो एम मागिस छुआ एम सी स्क्वायर एच न्यू न्यू आकार दे छुआ न्यू आकार ऑप्शन ले आमर जो भी ना न्यू छुआ तेने ऑब्वियसली आम न्यू आकार माने एच यही गोटे ऑप्शन हो पार कि आपमी लिख पारे कौन देखो डायरेक्टली एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू लिख पारे सो एम आसो एच न्यू बाई सी स्क्वायर सो के आसो एच न्यू बाई सी स्क्वायर देखो कौटा अच्छी एच न्यू बाई सी स्क्वायर तो छः नंबर देखो छः नंबर ऑप्शन बी एच न्यू बाई सी स्क्वायर सी लैम्ब्डा आकार भी लिख पारे न्यू आकार भी लिख पारे तो न्यू आकार ऑप्शन दे छे न्यू आकार लिखा है ना आइंस्टाइन इक्वेशन एम सी स्क्वायर एनर्जी एच न्यू वाला फोटोन इक्वेट कर दिखाँ आस नंबर बी ताप सात नंबर जी देखो सात नंबर क्वेश्चन कौन कही छुआ रेस्ट मास फोटोन कौन थी छुआ फोटोन रेस्ट मास के छुआ जीरो फोटोन रेस्ट मास न थाए ठीक अच्छे ना नहीं रेस्ट मास न थाए छुआ है ना मन रखता कहीं न थाए पर हायर क्लास मैंने पड़ो फोटोन है रेस्ट मास जीरो रेस्ट मास जीरो छुआ एम नॉट कह जाए रेस्ट मास को था जीरो फोटोन मोशन कले तार मास एक्वाड हो छुआ जनरली एनर्जीटा मास को कन्वर्ट हो जाए आप पढ़ी इक्वल टू एम सी स्क्वायर बहुत जिनस अच्छे छुआ फोटोन रेस्ट मास जीरो रेस्ट न था फोटोन ठीक अच्छे कहीं लाइट सब मोशन करुता है ठीक अच्छे सेमती धरीपर जे फोटोन है रेस्ट मास के जीरो गोटे प्रॉपर्टी जो फोटोन छुआ मन रखुद रेस्ट मास के जीरो तो ऑप्शन कौटा हम ऑप्शन डी सात नंबर 2019 पड़ता छुआ बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसे चांसेस अच्छी सात नंबर ताप लास्ट क्वेश्चन जी आठ नंबर क्वेश्चन आजिकार आपणकर डुआल नेचर रेडिएशन इज गिवन बाय डैश छुआ डुआल नेचर रेडिएशन गिवन बाय ऑप्शन जो अच्छी डी डिब्रोय डिब्रोगली कह जाए डिब्रोगली देते लैम्ब्डा इक्वल टू एच बाय पी तो मुझे टी इक्वेशन टा डुआल नेचर ऑफ मैटर छुआ जमी आम देखे लाइट रो भी डुआल नेचर अच्छी सेमी प्रत्येक मेटल पार्टिकल मेटर माने आम बोलते समस्त डुआल नेचर अच्छी तो यही इक्वेशन वेव अफ पार्टिकल नेचर को शो करे लैम्ब्डा ला वेव लेंथ इक्वल टू एच बाय पी हेला मोमेंटम एम भी जदि गोटे मेटर भी वेलोसिटी रे मोशन करुच्ची तो ता सहित गोटे वेव एसोसिएटेड होता डिब्रोय कहते कह जाए डुआल नेचर अफ मेटर इफ ए मेटर पार्टिकल हेज मोशन इट हैव ए वेव कैरेक्टर दैट इज वेव द लैम्ब्डा
से जो लाम्बड़ा आसे फैक्टर टा दिस इज द वेवलेंथ ऑफ ए वेव तो प्रत्येक बड़ी जब मोशन करुथिबे सेते बेले तांपर उडे वेव वेवलेंथ बा हमर वेव फंक्शन थिबो पड़ी बाहर क्लास गने सो लाम्बड़ा इक्वल टू एच बाय एम बी ए जो एम बी दले पार्टिकल नेचर देखला पी हला मोमेंटम आ लाम्बड़ा हला हमर वेवलेंथ सो दिस इज द फाइनल आठ नंबर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हबो तो ये थिला आज के बहुत ही कम क्वेश्चन थिला नेक्स्ट पार्ट रे मो डिस्कशन कर देबी तापर जो एटम्स न्यूक्लियाई हेलै ने तापर आई एक्स जो छि आपनकर सेमीकंडक्टर तापर हमर बधवे एक्स तापर तीनटा चैप्टर रहिलाउ मो ई 3 दिन भीतर लगातार वीडियो देके आपनको सार देबी तापर मो आपनको वन शॉट वीडियो यूनिट वाइज डिस्कशन करी आपनको इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क डिस्कशन करबा ठीक अछि तो ये आज का वीडियो जो भल लगे वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करेंगे एस सहित करके चाहिए समस्ते पढ़ू सभी पढ़ू कोनर मुक्त रुहतु जय जगन्नाथ सत्यमय जयते बाय बाय टाटा।